Hi friends, welcome back. भाई इंडिया डज नॉट वॉन्ट पाकिस्तानी रिमार्क ओवर राम मंदिर बिल्कुल ठीक है जो अयोध्या अरे तुम होते कौन हो पाकिस्तानी ऐसे लोगों को कोई है? देखते हो भी तो कौन हो तुम तुम हमारे देश के ही नहीं हो हम अपने देश में जो इस टाइप के गद्दार बैठे जो राम मंदिर के अगेंस्ट बोलते हैं उनकी परवाह नहीं कर रहे तो तुम किस खेत की मूल्य हो यार तो चलो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल बेलाइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज शेयर चलिए शुरू करते हैं जैन दोस्तों मैं और आप देख

कुछ मुस्लिम देश है, बहुत खाज है होती और उसकी खाज या उन मुस्लिम देशों की खाज हम आज मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए का यही काम है आज वो खाज मेजर मिटाएगा अच्छी तरीके से दोस्तों ऐसा है खाज क्या खाज नाने 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 उनके तो उनकी नहीं उतार बड़ा कह रहा है तो गलत हो गया ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब ये तो ना हो गई वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर और सुप्रीम कोर्ट भी भारत की बेकार है भारत का प्रधानमंत्री बेकार सब कुछ सब, मतलब सभी सब बेकार हैं छोड़ के पाकिस्तान अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या बोला फिर हम एक एक करके जैसे की कपड़े की धुलाई होती है धुलाई होगी अच्छा शहबाज शरीफ ये कहता है कि ये कत्ल हो गया है अच्छा जस्टिस का कत्ल हो गया है और यह दिख रहा दिख रहा है कि किस तरीके से भगवा जो विचारधारा है वो भारत की सोसाइटी में ये भारत के समाज में पूरी तरीके से फैल गई है और सेक्युलरिज्म जो भारत में है वो तुम तो चुप तुमने देश के पे बनाया था मुस्लिम को दीवार की धकेला जा रहा है यह शरीफ कह रहा है सबसे पहले शबाज शरीफ की खुजली मिटाते हैं दोस्तों सबसे पहले

बुड्ढे बुड्ढे मुसलमानों से शादी करवा दिया है बारह तेरह चौदह साल की लड़कियों पाकिस्तान के अंदर और ये आदमी शहबाज शरीफ इसकी इतनी औकात है।, है, है क्योंकि चौरासी करता हूँ पाकिस्तान की तरह बना बता दो एक का नाम मेजर का भी एजुकेशन हो जाए ना यार मेजर को भी पता लग जाए इतनी मुस्लिम सेक्युलर मिठाई मत बेचो यहां पे बेटा ठीक है बुजुर्ग हो बुजुर्ग की तरह रहो वरना तो ठोक दिया जाओगे समझे अब देखो ये कह रहे हैं कि साहब यहां पे मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है भारत <laughs> उनको प्रेशराइज जा रहा है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मुस्लिम तुमको अपना देश का ध्यान रखो दूसरों के नहीं अब माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री माइनॉरिटी के हमारे राष्ट्रपति माइनॉरिटी के जिसमें शामिल मुसलमान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ

जनरल सामान शो का नाम सुना है ना कोई पारसी था अरे उनको समझ ही नहीं आया। पागलों से ऐसा बात क्या करनी वो मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में <laughs> <नहीं। laughs> <नहीं। नहीं। laughs> बात कर रहे हैं उनको बस उसी की तो पड़ी है और क्या पड़ी है और पीठ पीछे पूरी जो कार्रवाई थी पूरी प्लानिंग थी आपने सुना है जनरल जेफर जेकब का नाम वो एक यहूदी थे तो जो आपके पूरे के पूरे मुल्क को तोड़ने यानी कि दो टुकड़े करने और एक ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया उसमें उसमें एक पारसी शामिल उसमें एक सिख शामिल उसमें एक यहूदी शामिल और पीछे हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जो तुम्हारा बैंड बजाया वो तो तुम जानते हो अच्छे तरीके से तुम तो तो हमें सेक्युलरिज्म हम जब पाकिस्तान सेक्युलर का तो पार्ट हमें पढ़ से तो हमें शहबाज शरीफ सेक्युलर का ऐसे नहीं पता दूसरा देखो यहां पे तो सात शरीन मजारी desecration of 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 the The mosque was against them Holding forth on control of inner and outer areas. The core judgment is disputed land given to to a board of trustees to build Ram Mandir. Muslims to give alternate land. मंदिर मुस्लिम है वहां पर प्रभु श्री राम पैदा हुए बाबर जो था चोर का बच्चा ka bachcha 1526 में आया भारत फर्स्ट battle of पानीपत उसने लड़ाई hey. और बाबर ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे वहां पे मस्जिद बनाया बाबरी कौन है वो बाबरी था कौन वो बाबर का नाम नहीं था बाबरी yeah. वो बाबर ने बनवाया जरूर था लेकिन फॉर हिज बॉयफ्रेंड फ्रेंड बॉयफ्रेंड मेड इट भाई साहब क्या बात कर रहे हो वहां तो, जाएगा भाई साहब बहुत बड़ा केस हा? क्योंकि आज से 1400 साल पहले भी कोई म्यूनिस्पलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती थी कोई वीडियो कैमरा नहीं होते थे कोई फोटो नहीं खींचती थी तो एक प्रूफ रूफ की बात मत करो जिस दिन मेरा मुंह खुला ना फिर पाकिस्तान में फिर तुम हाय 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 तो छाती पीट के लाहौल और सरतन से जुदा फिर ये सब ड्रामा करोगे तुम तो मत करो ये सब ठीक है बाप को बाप समझो जो हम है। तुम कहते हो प्रूफ ने? ये ये क्या बेकूफ के बच्चे पाकिस्तानी यार कह रहे हैं प्रूफ नहीं है प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास है प्रूफ तुम्हारे पास है प्रूफ तुमसे मांगे प्रूफ ये ये आस्था का मामला है वो आस्था का मामला है यार तुमसे प्रूफ मांगेंगे तुम्हारे पास कोई प्रूफ है नहीं उनका फाद तक जो दोनों प्रूफ मांग लेते फिर इस्लाम हो गया सरतन से जुदा ये सब अपने अयोध्या दे मंदिर प्रूफ से बन रहा है बेवकूफों फवाद चौधरी आय हाय देगा बच्चा ये कह रहा है शेयरफुल इंटरेस्टिंग इलीगल इमोरल तेरे कहने से क्या होता है ये छोटा सा वीडियो देखिए दोस्तों ये आधा। गया आपको ये जंगली सुअर जो है ना ये है फवाद चौधरी है? कर रहा है राम मंदिर के बारे में जब पुलिस वाले आए तो एक जंगली सुअर की तरह आ, भागा आए। देखो कैसे है डेढ़ सौ दो सौ दानव <laughs> एडिटर साहब एक बार दोबारा वीडियो दिखाओ दानव को दिखाओ दानव। जंगली सुअर असुर यह देखो कैसे भाग रहा है बड़ी बातें करते हैं इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है मौलाना फजुल रहमान रिफ्लेक्ट नैरोस भारत की है, सुप्रीम कोर्ट में इसका चोरी है इसका नाम है डीजल किसी भी पाकिस्तानी से पूछना डीजल क्यों बोलते हैं इसने की चोरी करी है जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी इसको डीजल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली थी कई सारी इसने डीजल की चोरी करी है आज की तारीख में इसको सब पाकिस्तान में डीजल बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं ना जो भी पाकिस्तान से मुंह खोल रहा है राम मंदिर के खिलाफ सबके सब चोटे सबके ऊपर चोरी का फ्रॉड का शबाज शरीफ कैरेक्टर लेस शबाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है उसका भाई सबसे बड़ा चोर है नवाज शरीफ नवाज शरीफ क्यों बाहर रहा चोरी के इल्जाम हाँ। अच्छा जी। इन्होंने पूरा सेटअप किया था कि वो वापस आए तो पकड़ा ना जाए इसने सवाल उठाने सवाल उठाने से तो जेल में बैठा यार

जो राम मंदिर के ऊपर सवाल तभी उठा तभी तो, तो ये हाल हो रही है दूरदर्शा हो रही है लोग नहीं है ये सवाल उठा रहे तो जेलों में बैठे हैं कुछ नहीं बुरा हाल है देश अब का। देखो भाई टोटल चार सौ अट्ठाइस माइनोरिटी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी चार सौ अट्ठाइसो अट्ठाईस मंदिर थे साफ बोलो ना यार ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है पाकिस्तान का अखबार है कहता है चार सौ अट्ठाइस माइनोरिटी नहीं चार सौ अट्ठाईस मंदिर बनेंगे चार सौ अठाईस मंदिर तोड़ दिए पाकिस्तान में बोल रहे है? है हैं आप चल रहे चार सौ मंदिर थे हमारे तो सारे बदलेंगे वापस बनेंगे लव, मंदिर। जो प्रभु श्री राम के बेटे थे पुत्र थे उनके लव के नाम पर तो लाहौर है हुँ। हुँ। ये पूरा हिंदू इलाका था वो तो है। पेशावर तक और दोस्तों ये जो तुर्की इतना उछल रहा है हाया सोफिया चर्च था उसको मस्जिद बना दिया किसी ने कुछ नहीं बोला किसी ने कुछ नहीं बोला मैं बता रहा हूं इतने फ्रॉड हैं इतने चोर हैं इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं क्या यार बिल्कुल इतने चोर हैं मैं तो देख लिया इतने चार सौ बीस हैं क्या वो एर्दोगान वहां पे बैठा हुआ और यहाँ पे पता नहीं एक्स वाई जेड यहाँ पे तो पाकिस्तान में जैसे मुरमुरे के भी वो अखबार में मुर्मुरा देते हैं ना फिर खा के अखबार फेंक देते हैं वैसे तो प्राइम मिनिस्टर वो लोग डिस्क्राइड करते हैं तो इनकी तो क्या ही औकात है यार कभी काक कड़ है कभी फाक कड़ है पता नहीं कौन कौन इनके प्रधानमंत्री हर दो महीने में बदलते हैं बदल गया क्या फिर से का <laughs> कि वही है अच्छा मंदिर देखा तोड़ के चलो इधर शॉपिंग मॉल <laughs> क्या हमारी भावनाएं याद नहीं होती राम मंदिर था वहां पे पहले वहां पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और रहेगी और ज्यादा छाती से मत लगाना बेटा ठीक है और बाकी सब मंदिर भी आएंगे जहां से तू जो जो तुमने तोड़े थे सब बताएंगे तुम्हें तुम समझ लो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ पागल खाने चले जाओ जो होना है वो तो हो के रहेगा तो मैं कौन होते हो हम अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं भारत में इसमें कोई डाउट नहीं है यार उनको जिनको हमारे देश से प्यार से है और, और बाकी रिलीजन से, से रिस्पेक्ट है।, है पर तुम ये मत सोचना कि हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल लगाओगे और ज्ञान बांटोगे वहां पे ठीक है अगर औकात है तो मैदान में आओ सामना करो फिर देखते हैं किसमें कितना पानी है भैया बाबर की बाबरी मस्जिद तो मैं यही सोचा करती थी कि भैया बाबर से बाबरी बन गई अब क्यों बनी बाबर मस्जिद की जगह बाबरी क्यों बनाई थी है तो मैं तो यही सोचती क्वेश्चन कई बार होता था बाबरी पॉइंट ये नहीं था पॉइंट ये था कि वो लोग कमेंट कर रहे हैं कौन होते हैं जिन्होंने अपने देश में ऑलमोस्ट माइनॉरिटी जो है हिंदू माइनॉरिटी को खत्म कर दिया है और जो इस बिलीफ से गए थे कि हम उनके देश में सिर्फ एक ही रिलीजन होगा वो लोग बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की वो भी इनकरेक्टली हमारा देश, देश है, के रहे के भार है ये सिर्फ एक डिस्प्यूट थी जिसमें प्रूफ किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने हर बंदा अपने फैक्ट्स लेके आया था कि पहले यहां टेंपल था सिंपल कांसेप्ट है कि डिस्प्यूट था क्योंकि हमारे देश में बाहर से अग्रेसर्स आए थे वो लोग एग्रेसर्स ग्रीडी थे उनको पैसा चाहिए था उसकी वजह से आक्रमण किया था इतनी मारामारी हुई थी उसके लिए उसके बाद उन्होंने अपने रिलीजन थोपने की कोशिश की है बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हुए हैं चाहे जैसे भी हों फोर्स हुए हों बाय उनके इंप्रेस होके हुए हों हु। जो भी रीजन हो और उन्हें हमारे जो है कन्वर्ट जो टेम्पल्स थे हमारे वो तोड़ा था अब जो है क्योंकि ये डिस्प्यूट है हमने प्रूफ किया कोई इलॉजिकली काम नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में गए वहाँ हर बंदे ने अपने फैक्ट्स रखे जब सुप्रीम कोर्ट को लगा यस तुमने प्रूफ कर दिया कि टेंपल है तो तुम्हें टेंपल मिल गया तो मतलब तो ये देखना चाहिए कि इट इज जस्ट लॉजिकली हो रहा है और ओ, जिस आगे

हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए